नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव। आप देख रहे हैं निष्पक्ष बात। आखिर कब होगी कार्रवाई? जी हां, नरवाई की आग और भूसा मशीन दो ही ऐसे कारण हैं जो किसानों के खेतों में खड़ी गेहूं की फसल को जलाकर राख कर देते हैं। कई किसान बर्बाद हो जाते हैं, उनके जीवन यापन में काफी तकलीफ होती है। प्रशासन जागता है, लेकिन कई एकड़ फसलें बर्बाद होने के बाद। हम प्रशासन से प्रतिबंध की बात नहीं कर रहे, हम प्रशासन से बात कर रहे हैं कार्यवाही की, कि आखिर कार्यवाही समय से पहले क्यों नहीं की जाती है। अभी भी अधिकांश खेतों में गेहूं की फसल खड़ी हुई है, उसके बावजूद कई लालची किसान जहां खेतों में खड़ी गेहूं की फसल की अनदेखी कर भूसा मशीन चला भूसा बनवा रहे हैं, तो कई किसान तीसरी फसल के लालच में नरवाई जला रहे हैं। प्रशासन यदि अभी भी अपनी कुमकर्णी नींद से जाग जाए तो कई एकड़ फसलें जलने से बच सकती हैं, कई परिवार बर्बाद होने से बच सकते हैं। हम प्रतिबंध लगाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल निष्पक्ष कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जिससे कि किसान बर्बाद होने से बच जाए। आइए हमारे संवाददाता आयुष यादव के साथ जानते हैं कि किसान आखिर क्या चाहते हैं। दादाजी, कई किसान अपने खेतों में भूसा मशीन चलवा रहे हैं, इससे आपकी खड़ी फसल को क्या नुकसान है? इसमें आग लगने का खतरा है, बहुत बड़ी बात तो ये है। और किसान की वर्ष भर की मेहनत जो है पल भर में चौपट हो सकती है, और गाँव में भी इससे आग लगने का खतरा बढ़ गया है। इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। देखिए साहब, ऐसा है कि अभी हमारे पास के नज़दीक गांव के बताता हूँ आपको मैं, करीब वहाँ कम से कम 20-25-50 एकड़ का पूरा भूसा नष्ट हो गया है। वो फसल को भी नुकसान है, काफ़ी फसल खड़ी हुई है, इस पर आप बताइए। सर, ये जो भी भूसा मशीन अभी भी चल रही है, लोग नरवाई जलाना चाहते हैं, इसके लिए शासन की ओर से एसडीएम साहब ने कुछ आदेश लगती है? आदेश किए हैं शासन को, तो दोनों थाना प्रभारियों को अवगत करा दिया, लिखित आदेश दे दिया, और अभी तक कोई सूचना नहीं मिली, या सूचना मिलेगी और नियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। अभी तक किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं मिली।